लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है, खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है। जल्द ही फिल्म का पहला लुक सबके सामने आने वाला है, जिसको मेकर्स प्रभास के बर्थडे यानी 23 अक्टूबर को रिलीज करने वाले हैं। साथ ही फिल्म प्रोजेक्ट के मेकर्स भी फिल्म से कुछ स्पेशल प्रभास के बर्थडे पर रिलीज करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रवि ने फिल्म की शूटिंग के बारे में भी बात करते हुए बताया कि निर्माताओं ने अभी ब्रेक लिया है और फिल्म की शूटिंग अगले महीने फिर से शुरू की जाएगी। सलार के आर्ट डायरेक्टर रवि कुमार ने इस बातचीत में आगे के शूटिंग शेड्यूल के बारे में भी कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि सितंबर में होने वाले अगले शेड्यूल के लिए कई असाधारण सेट बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए रोका गया था। फिल्म में प्रभास के साथ ही श्रुति हसन मुख्य भूमिका में है, जबकि जगपति बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम्बले फिल्म्स के बैनर तले प्रशांत नील के इस प्रोजेक्ट का निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। दोस्तों, केजीएफ 2 के स्टार निर्देशक प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही ये फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दर्शकों को फिल्म के साथ ही प्रशांत नील और प्रभास की जोड़ी से भी काफी उम्मीदें हैं। जहां तक फिल्म की रिलीज डेट का सवाल है, तो मेकर्स ने सलार को अगले साल 2023 तक रिलीज करने की उम्मीद जताई है। तो आप फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी लगे हाथ कर दीजिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।